यस डियर किड्स, आज हम चैप्टर 9 जो हिंदी का आपकी दिव्या भारती बुक चैप्टर नंबर 9 का बुक वर्क जो है वो करेंगे, अभ्यास करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास शब्द अर्थ प्रशंसा। प्रशंसा का क्या अर्थ होता है? तारीफ, प्रेज करना, ठीक है। प्रशंसा। अस्तबल, अस्तबल वो जगह होती है जहां पर घोड़े बांधे जाते हैं, घुड़साल, जिसे इसको घुड़साल भी बोलते हैं, या वो जगह जहां पर घोड़े बांधे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज अपाहिज। अपाहिज अपंग, जो चल फिर न सके, उसे क्या कहते हैं? अपंग या अपाहिज कहते हैं। आश्चर्य, आश्चर्य का मतलब क्या होता है? हैरानी, ठीक है, सरप्राइजिंग। नेक्स्ट है आपके पास दिल को छू जाना। मुहावरा एक दिया हुआ है इसमें, दिल को छू जाना। दिल को छू जाना यानी प्रभाव पड़ना, ठीक है। यानी कि जैसे क्या होता है कि जो बाबा भारती होते हैं, जब उसे कहते हैं कि भाई मुझे घोड़ा नहीं चाहिए, लेकिन तुम ये बात किसी को मत बताना, तो ये बात जो है खड़क सिंह के जो दिल को छू जाती है, यानी उसके ऊपर बहुत इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गए आपके बेटा प्रश्न उत्तर। इसमें क्या है? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मंदिर में रहने वाले साधु का नाम बताइए। आप बताइए मंदिर में रहने वाले साधु का क्या नाम था? बाबा भारती था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बाबा भारती के घोड़े का नाम क्या था? उस घोड़े का क्या नाम था? सुल्तान। आपको पता है रात के अंधेरे में खड़क सिंह कहाँ गया? रात के अंधेरे में खड़क सिंह कहाँ गया? वो अस्तबल में जाता है। रात के अंधेरे में खड़क सिंह जो है वो बाबा भारती के अस्तबल में जाता है। तो ये मैं आपको आई जस्ट शो यू इन द नोटबुक ऑल्सो। ये जो क्वेश्चन है देखो, रात के अंधेरे में खड़ग सिंह कहाँ गया? अस्तबल में। ओके, नेक्स्ट है आपके पास देखो, बाबा भारती ने अपने घोड़े के बारे में क्या कहा? जब खड़ग सिंह उनसे पूछता है घोड़े के बारे में, तो बाबा भारती ने क्या उत्तर दिया? बाबा भारती ने कहा कि घोड़ा चलने में अच्छा है, वह देखने में भी बहुत अच्छा है। तो इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपाहिज ने बाबा से क्या कहा? जो अपाहिज था, अपंग था, जो रास्ते में मिलता है बाबा को, तो उसने बाबा से क्या कहा? अपाहिज ने कहा कि बाबा अपाहिज पर दया करो, ठीक है। नेक्स्ट था क्वेश्चन, कौन सी बात खड़क सिंह के दिल को छू गई? बाबा भारती ने खड़क सिंह को इस घटना के बारे में किसी से न कहने के लिए कहा, क्योंकि यदि लोग इस घटना को जान जाएंगे तो वे किसी गरीब या अपाहिज की मदद नहीं करेंगे। कि बाबा जब उसे बाबा भारती उसे ये कहते हैं कि भाई ये बात तुम किसी से मत बताना, क्योंकि जो कोई भी व्यक्ति है, मतलब किसी भी अपाहिज जो सच में मदद मांगेगा, तो वो उसकी मदद नहीं करेंगे। उन्हें लगेगा कि जो बाबा भारती के साथ धोखा कर गया, तो वो हमारे साथ भी कोई भी धोखा कर सकता है, ठीक है। तो ये बात जो है बाबा भारती कहते हैं कि ये बात तुम किसी से मत बताना कि तुमने मेरा जो घोड़ा है वो धोखे से लिया है। तो इस बात का जो प्रभाव है खड़क सिंह के दिल को के ऊपर बहुत पड़ता है, ये बात जो है उसके दिल को छू जाती है। ओके, अंत में घोड़े को गले लगाकर बाबा क्या बोले? अंत में घोड़े को गले लगाकर बाबा ने कहा कि अब कोई गरीबों या अपाहिजों की बात पर अविश्वास नहीं करेगा, क्योंकि जो खड़ग सिंह होता है वो घोड़े को बाबा के अस्तबल में वापस बांध कर जाता है, छोड़ जाता है। तो इसलिए बाबा जो है घोड़े को गले लगाकर बाबा कहते हैं कि अब कोई गरीबों या अपाहिजों की बात पर अविश्वास नहीं करेगा, मतलब मान जाएगा कि अगर कोई कह रहा है कि सच में वो अपाहिज है, अपंग है, तो वो उसकी बात पर विश्वास करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट देखो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, किसने किससे कहा? कहो मेरे पास कैसे आए? आपको याद होगा ये बात जो है बाबा भारती खड़क सिंह से कहते हैं, जब खड़क सिंह उनसे मिलने के लिए आता है। देखो, बाबा भारती ने खड़क सिंह से कहा, बाबा अपाहिज पर दया करो। अब जो खड़क सिंह था, ये बात उसने बाबा से कही थी जब वो अपाहिज के रूप में रास्ते में उनको मिलता है, ठीक। नेक्स्ट, जरा ठहर जाओ। अब ये बात कौन कहते हैं? ये बात बाबा भारती कहते हैं, जब खड़क सिंह जो होता है उनका घोड़ा भगा कर ले जाता है, तब बाबा भारती ने खड़क सिंह से कही, मैं यह घोड़ा अब नहीं दूंगा। ये बात
जब घोड़ा, जब बाबा ने उसे रोका खड़क सिंह को, तब ये बात खड़क सिंह ने बाबा से कही, तुम इस घटना के बारे में किसी को मत बताना, ठीक है? ये बात कौन कहता है? बाबा भारती ने खड़क सिंह से कही, ठीक है? अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आ गया, भाषा सीखें। क्या है इसमें? संज्ञा है सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। द इम्पोर्टेंट इज विशेषण किसे कहते हैं? तो इसमें क्या है, संज्ञा या सर्वनाम? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होती है। आपने फर्स्ट में भी पढ़ा है, सेकंड में भी पढ़ा है, एंड आई थिंक आप थर्ड में भी पढ़ चुके हो। संज्ञा होती है किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम किसे कहते हैं? जो भी शब्द संज्ञा के स्थान पर यूज किए जाते हैं। जैसे राम खेल रहा है, ठीक है? राम क्या है? संज्ञा। अब राम की जगह पर अगर हम लगा दें वह खेल रहा है, जो वह शब्द है, वो वह शब्द, तो वह क्या है? सर्वनाम, ठीक है? तो वह क्या है? सर्वनाम। और राम क्या है? राम क्या है? संज्ञा। देखो अब हमने क्या किया, संज्ञा के स्थान पर हमने सर्वनाम को यूज किया, राम की जगह पर हमने क्या लगाया? वह लगाया। तो क्या हुआ, जो शब्द सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर यूज किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब जो इनकी विशेषता को बताए, उस शब्द को, इन राम संज्ञा की और सर्वनाम की जो विशेषता को बताए, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता को बताए, ठीक है? उसे क्या कहते हैं हम? विशेषण कहते हैं। उन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं, ठीक है? अब इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं। बाबा के पास एक सुंदर घोड़ा था। अब सुंदर, ये सुंदर क्या है? घोड़ा जो है, घोड़ा क्या है? संज्ञा, ठीक है? घोड़ा क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा की विशेषता क्या है? कि वो सुंदर है। घोड़े की विशेषता क्या है? कि वो सुंदर घोड़ा है, विशेषता, ठीक है? तो ये जो शब्द है ये क्या है? विशेषण है। इसको आप क्या करोगे? अंडरलाइन करोगे। यहां पर दिया हुआ है, दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्दों को रेखांकित करें। रेखा, रेखा मीन्स लाइन, हिंदी में इसे लाइन को रेखा बोलते हैं। नेक्स्ट इज अपाहिज व्यक्ति पर दया करो। एक व्यक्ति है, व्यक्ति क्या है? संज्ञा, ठीक है? अब व्यक्ति के लिए की क्या विशेषता क्या है? व्यक्ति की विशेषता क्या है? कि वो अपाहिज है। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा विशेषण, इसको आपने अंडरलाइन करना है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास बाबा भारती कितने महान हैं। अब ये महान जो शब्द यूज किया गया वो किसके लिए यूज किया गया? बाबा भारती के लिए। तो बाबा भारती शब्द क्या है? एक संज्ञा शब्द है, क्योंकि एक व्यक्ति का नाम है ये, तो ये क्या है? संज्ञा। और संज्ञा की विशेषता क्या है? कि वो महान है, ठीक है? ये विशेषण हो गया। नेक्स्ट है उन्हें गरीब लोगों की चिंता थी। अब लोग क्या है? संज्ञा है। अब लोग कौन से लोग? गरीब लोग। तो लोगों की विशेषता क्या हो गई? गरीब। तो ये क्या हो गया? विशेषण। नेक्स्ट है बाबा सुल्तान पर बैठकर 8-10 मील का चक्कर लगाते थे। बाबा सुल्तान पर बैठकर 8-10 मील, वो एक क्या है? ये भाव है। तो उसका 8-10, उसमें यहां पर हमने बता दिया ये विशेषता है, ठीक है? कि कितने मील? 8-10 मील, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी हमारी। और वो कितना है? 8-10 मील है, वो डिस्टेंस कितना है? 8-10। तो ये क्या है? विशेषण है, ठीक है? ये हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है विलोम शब्द। विलोम का मतलब होता है उल्टा। जैसे रात का उल्टा क्या है? दिन, डे, नाइट हो गया। और अब इस तरह से वो कह रहा है कि विलोम शब्दों पर गोला लगाएं। प्रशंसा का विलोम क्या है? प्रशंसा, तारीफ एक ही बात है, बढ़ाई भी एक ही बात है, लेकिन निंदा, निंदा यानी उसकी बुराई करना, उसकी बुराई करना, वो क्या है? प्रशंसा का विलोम है, उल्टा है, तो आप इसको गोला लगाओगे। नेक्स्ट है डर। डर यानी किसी चीज का डर होना, और उसका उल्टा क्या है? निडर होना, ठीक है? नेक्स्ट है आपका अंदर। अंदर का उल्टा क्या होगा? बाहर। नेक्स्ट है विश्वास। विश्वास का उल्टा क्या होगा? अविश्वास। गरीब का उल्टा क्या होगा? अमीर। ओके, अब नेक्स्ट है वाक्यों में आपने क्या लगाना है? या तो मैं लगाना है या मैं लगाना है। इन दोनों में से एक शब्द लगाकर वाक्य को आपने पूरा करना है। देखो क्या है, मंदिर डैश एक साधु रहते थे, मंदिर में। नेक्स्ट है डैश बिल्कुल ठीक हूं, मैं, ठीक है? इसमें क्या आएगा? मैं। नेक्स्ट है
घोड़ा चलने डैश अच्छा है, घोड़ा चलने में अच्छा है। नेक्स्ट है डैश आश्चर्य से देखता रहा, मैं आश्चर्य से देखता रहा, मेरे पांव में दर्द है। ओके, इस तरह से मैं का मतलब होता है हम, आई, मैं का मतलब इंग्लिश में हम जिसे बोलते हैं आई, अपने खुद के लिए यूज करते हैं ये वाला शब्द। और मे का मतलब होता है किसी के अंदर, किसी में, किसी चीज में। ठीक है, अब आ गया सर्वनाम। दिए गए सर्वनाम शब्दों के बहुवचन बनाइए। ये आपको शब्द दिए हुए हैं, इनको बहुवचन। एक वचन का मतलब होता है जब हम किसी एक वस्तु की बात करते हैं, और जब बहुवचन का मतलब होता है जब हम एक से अधिक वस्तु की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड बहुवचन। ठीक है, मैं अगर हम, मैं अपनी बात कर रही हूं तो मैं, और अगर हम सबकी बात करते हैं तो वो उसके लिए क्या यूज करेंगे, हम। वह, हम एक व्यक्ति के लिए वह यूज करेंगे, और बहुत सारे व्यक्तियों के लिए हम क्या यूज करेंगे, वे या वो। उसे, उसे उसे एक व्यक्ति के लिए, और उन्हें, उसे बहुत अच्छा लगा, फिर उन्हें बहुत अच्छा लगा। मुझे, मुझे दर्द हो रहा है। ठीक है, और इसका हमें दर्द हो रहा है। नेक्स्ट, उसको, उसको और उनको, मेरा हमारा। ओके, इस तरह से। नेक्स्ट है आपको योजक शब्द। योजक शब्द क्या होते हैं? योजक शब्द वो शब्द होते हैं जो दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, ज्वाइन करते हैं, जोड़ देते हैं, और एक एक सेंटेंस में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, एक वाक्य बना देते हैं उसका, उसको योजक शब्द बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, देखो, आपके घोड़े की बहुत प्रशंसा सुनी थी इसलिए देखने चला आया। इसमें से छांट कर लिखने आपने। नेक्स्ट इज घोड़ा चलने में अच्छा है और देखने में भी अच्छा है। कई महीने बीत गए लेकिन खड़क सिंह नहीं आया। ठीक है, लोग खड़क सिंह के नाम से भी कांपते थे। अब देखो, अगर ये ना लगाए तो ये अलग अलग दो सेंटेंसेस बने हैं, लेकिन हमने बीच में ये योजक लगा दिए, जोड़ने के लिए ज्वाइन शब्द लगा दिए, तो ये क्या बन गया, एक शब्द बन गया। लोग खड़क सिंह के नाम से भी कांपते थे क्योंकि वह एक डाकू था। नेक्स्ट है बाबा ने अपाहिज को घोड़े पर बिठाया ही था कि अचानक उन्हें झटका लगा। तो ये क्या है, हमारे योजक शब्द। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो है पार्ट से आगे बेटा, ये आप अपने आप कर लेना खुद ही, इट्स नॉट, क्योंकि एक्सरसाइज हम जितनी कर लें दैट विल नॉट बी सफिशिएंट। तो ये आपका चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट। ओके।